हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आकांक्षा और आज की वीडियो में एक बहुत ही अच्छे मॉइस्चराइज़र का रिव्यू करने वाली हूँ जो कि मेडिकेटेड है। बहुत सारे डर्मेटोलॉजिस्ट इसको रेकमेंड करते हैं। डॉक्टर रेडीज़ ब्रांड का है, तो वो है ये वेनुशिया क्रीम जो कि बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों से मिलकर बना हुआ है और उन सारी चीज़ों से मिलकर बना हुआ है जो स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट करती हैं, मॉइस्चराइज प्रोवाइड करती हैं। इसकी पैकेजिंग की बात करो तो कुछ ऐसी पैकेजिंग में आता है। 75 ग्राम का ये पैक है। की इंग्रेडिएंट्स इसके स्कॉलिन, एलोवेरा एंड विटामिन ई एसिटेट क्रीम है। ये जो मॉइस्चराइज़र है पैराबेन फ्री नहीं है, तो पैराबेन वाले प्रोडक्ट्स अगर आप यूज़ नहीं करते हैं तो उसको बिल्कुल भी ना परचेज़ करें। इसमें क्वांटिटी नहीं दी हुई है कि कितना क्वांटिटी पैराबेन्स यूज़ किए गए हैं, पर इसमें पैराबेन्स हैं। जो स्कॉलिन है वो स्किन को सॉफ्ट करता है, सूदिंग प्रोवाइड करता है और मॉइस्चर बनाए रखता है स्किन पर। एलोवेरा तो इसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, स्किन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करता है। विटामिन ई जो है वो एनवायरमेंटल डैमेज से स्किन को प्रोटेक्ट करता है, अच्छे से हाइड्रेट करता है। तो ये सारे काम ये क्रीम करती है। इसका जो टेक्सचर है बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर है, वाइट कलर का जो प्रॉपर क्रीम होती है वैसी ही है। फ्रेग्रेंस बहुत हल्की सी माइल्ड सी फ्रेग्रेंस है, लाइट वेटेड है, नॉन ग्रीसी है। ये बहुत अच्छे से आप इसको मसाज करके लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इसको फेस पे लगाएं, आप इसको अपने हाथ पैरों पे भी यूज़ कर सकते हो। बहुत अच्छे से आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा, हाइड्रेट करेगा। यूट्यूब पर आप सर्च करेंगे तो बहुत सारे आपको ऐसे वीडियोज़ मिल जाएंगे कि ये क्रीम आपकी स्किन को गोरा करेगी, दाग धब्बे दूर करेगी, तो ये सारे काम ये नहीं करती है। ना ही आपके पिंपल को दूर करेगी, दाग धब्बे, पिगमेंटेशन, ये सब उस पर काम नहीं करेगी, पर ये स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज़ करती है। तो अगर आप चाहते हो एक अच्छा मॉइस्चराइज़र यूज़ करना जो कि आपकी स्किन को सॉफ्ट बनाए और स्मूथ बनाए और हाइड्रेट प्रोवाइड करे, तब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें एलोवेरा, विटामिन ई, ऐसी ऐसी चीज़ें यूज़ की गई हैं जो स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट करती हैं। और ये आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मिल जाता है। तो ये जो क्रीम है ये मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था, ये ऑफलाइन परचेज़ किया था, मतलब ये किसी भी फार्मेसी पे आपको मिल जाएगी। पर जब आप ऑनलाइन ऑफलाइन में डिफरेंस देखेंगे तो आपको काफ़ी डिफरेंस लगेगा। इवन जब आप लगाओगे तब आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन में डिफरेंस समझ आएगा। तो मैं कहूँगी जब भी आप कोई मेडिकेटेड चीज़ें परचेस करना चाहते हो तो उसको ऑनलाइन परचेस ना करके आपके आसपास जो भी फार्मेसी है आप वहाँ से इसको परचेस कीजिए। तो ये आपको काफ़ी, मतलब ये जो क्रीम है ना, इसको लगाने के बाद कुछ अलग ही बात होती है जो कि इसको लगाने के बाद नहीं होती है। ये मुझे ऐसा लगता है जैसे ये फेक प्रोडक्ट है, पर ये काफ़ी रियल है। अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो आप हमेशा मेडिकेटेड चीज़ों को अपने आसपास के मेडिकल शॉप से ही परचेज़ कीजिए, तो आप इजीली मिल जाएगी आपको। इसके प्राइस की बात करूँ तो इसकी प्राइस है 300 के अराउंड इसका प्राइस है। थोड़ा सा आपको इस पर डिस्काउंट मिल जाएगा। क्रीम है, वैसे सारे स्किन टाइप्स वाले इसको यूज़ कर सकते हैं। ड्राई स्किन है, ऑयली स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगर ऑयली स्किन है तो मैं कहूँगी कि आप इसको यूज़ ना करें, स्पेशली जैसे अभी तो हल्की फुल्की ठंड है पर कुछ दिनों बाद गर्मियाँ आ जाएंगी, तो हो सकता है जब आप इसको यूज़ करें गर्मियों में तो कोई प्रॉब्लम हो जाए। इसलिए बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है तब आप इसको यूज़ ना करें, पर ड्राई स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन है, तब आप बिल्कुल एक बार इसको यूज़ कर सकते हैं। एक्ने प्रोन स्किन की बात करूँ तो ये एक्ने पे काम नहीं करता है। अगर एक्टिव एक्ने हैं तब आप इसको लगाने से बचिए, और नहीं तो आप बिल्कुल इसको यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको एक्ने प्रोन स्किन है तब भी वो यूज़ करते हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे मैं भी इसको यूज़ कर रही हूँ तो मुझे ऐसी कोई अभी तक प्रॉब्लम नज़र नहीं आई है। और ज़्यादा यूज़ नहीं कीजिए, कभी आपको बहुत अच्छे से स्किन को मॉइस्चराइज़ करना है तब आप इसको यूज़ कर लीजिए, पर ड्राई स्किन वालों के लिए तो ये कमाल का काम करती है, कमाल का काम करती है। बिल्कुल आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करती हूँ तो मुझे ये काफ़ी हद तक नॉन ग्रीसी लगती है, काफ़ी अच्छे से स्किन पे एब्जॉर्ब हो जाती है, लाइट वेटेड है। आपको कुछ क्रीम्स होती हैं ना जिनको लगाने के बाद बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होने लगती है और बहुत ज़्यादा हैवी हैवी फील होने लगता है, तो उसको लगाने के बाद ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। इसका टेक्सचर आपको दिखने में लगेगा कि नहीं इतना लाइट वेटेड नहीं है, पर जब आप इसको अप्लाई करेंगे तब आपको समझ आएगा कि ये काफ़ी लाइट वेटेड है। कंसिस्टेंसी काफ़ी अच्छी है, बहुत अच्छे से आप अपने
स्किन पे इसको मसाज कर सकते हैं और इसके जो भी बेनिफिट्स हैं वो आप उठा सकते हैं। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो जल्दी से लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।